हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन। वेलकम बैक टू टेक प्लस गैजेट्स.कॉम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के थ्रू। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप कैसे गूगल क्रोम के एक्सटेंशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट रूट। लाइक आपको रूट वूट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक्सटेंशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेब ब्राउज़र के अंदर। तो भाई गूगल क्रोम जो है सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, हाई लेवल के एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है जो आपके काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। लेकिन वो सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप्स के लिए प्रोवाइड करता है, फ़ोन्स के लिए प्रोवाइड नहीं करता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो आज के टाइम पे सारे काम हमारे लिए करके देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बिल्कुल सिंपल वे में इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन जो है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गूगल क्रोम जो है वो ऑफिशियली गूगल एक्सटेंशन को इनेबल करने की परमिशन नहीं देता है, लाइक आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का नाम है कीवी ब्राउज़र। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर देख रखी, तो आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर इस ब्राउज़र की बात करूँ तो ये ब्राउज़र जो है वो पूरा क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, उसी क्रोम की जो APIs है उसी को यूज़ कर रहा है। तो लाइक आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सेम की सेम आपको गूगल क्रोम की तरह ही ये देखने को मिलेगा। तो आप में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर देना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका आइकन आपको देखने को मिलेगा। आपको इसको क्लिक करना है, और इसका जो आप यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं, UI देख रहे हैं, सेम आपको गूगल क्रोम की तरह ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गूगल क्रोम की ही API यूज़ कर रहा है, पूरा गूगल क्रोम की तरह चल रहा है। तो आपको ये जो ऊपर तीन डॉट दिख रहे हैं ऊपर टॉप राइट में, इसको आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एक्सटेंशन का। ये देख सकते हैं आप, एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो आप गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशन मोड देखते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो डेवलपर मोड दिख रहा है इसको इनेबल करना है, क्योंकि एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए आपको डेवलपर मोड को ऑन करना पड़ता है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे जो राइट साइड में आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, और नीचे लिखा होगा ओपन कीवी वेब स्टोर। तो ये एक टाइप का वेब स्टोर है जहाँ पे सारे एक्सटेंशन होते हैं जो आपने गूगल क्रोम जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज़ किया उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो यूज़ करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा क्रोम के वेब स्टोर पे। तो ये क्रोम का ही वेब स्टोर है, कोई अलग सा वेब स्टोर नहीं है, सेम वही वेब स्टोर है। और इस पे सारे वो एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेंगे जो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर यूज़ करते हैं। तो सारे एक्सटेंशन मैं अगर इसको स्क्रोल करके दिखाता हूँ तो आपको सारे जो एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे। तो ये जो जितने भी एक्सटेंशन है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको नॉर्मली जैसे आप अपने बाकी के डिवाइसेस में यूज़ करते हैं उसकी तरह आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि इसमें आपको ग्रामरली मिल रहा है, और एवरनोट मिल रहा है, और बहुत सारे जो एक्सटेंशन हैं जो आप नॉर्मली देखते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ ये डार्क रीडर करके, बहुत फेमस एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन का काम है कि जितने भी ब्राउजर के पेजेस होते हैं उन सबको बिल्कुल डार्क मोड में कर देता है, और ये फंक्शनैलिटी भी है जो नॉर्मल गूगल क्रोम है वो नहीं देता है। तो इसके लिए भी आपको जो एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, तो इस एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना है। इस तरीके से आपको ऐड टू क्रोम करके ओके कर देना है। तो ये कुछ देर बाद ये मतलब डाउनलोडिंग लेगा, जैसे नॉर्मल आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग के बाद ये अपने आप ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप गूगल क्रोम डेस्कटॉप पे करते हैं। उसके बाद ये इस तरीके का उसका जो वेब पेज खुल जाएगा। अब आपको ये वो कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको थ्री डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद से आपको स्वाइप डाउन करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डार्क रीडर करके जो एक्सटेंशन है वो इनेबल हो चुका है। तो इसको आपको क्लिक करना है, और इसका जो सेटिंग है वो सारी सेटिंग खुल जाएगी। आपको कितना क्या ब्राइटनेस रखना है, कितना क्या कॉन्ट्रास्ट रखना है, वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन है वो अभी ऑन है, इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। तो मैं ऑन करके आपको बताता हूँ। तो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पेज खोलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये पेज खोला हिंदुस्तान टाइम्स का, तो इसमें जो इसकी UI है आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक उसमें दिख रही है, डार्क मोड में ये हो चुकी है। डार्क मोड में होने के कारण क्या होता है कि आपकी आंखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, और देखने में भी बहुत कूल लगता है। तो आप जो है डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं।
इसको अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं डार्क मोड जो इसका एक्सटेंशन है वहां पे जाकर इसको अगर डिसेबल कर देता हूँ और वापस से अगर हिंदुस्तान टाइम के टैब पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वाइट हो चुका है, लाइक डार्क मोड हट चुका है। तो इस एक्सटेंशन का यूज करके आप डार्क मोड भी ला सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेंगे जो आप नॉर्मली अपने वेब ब्राउजर पे यूज करते हो, कंप्यूटर लैपटॉप पे, उसका सबका यूज जो है आप अपने फोन में कर सकते हो। तो जैसे ग्रामरली हुआ, कलरजिला हुआ, इस टाइप के जो एक्सटेंशन है मैं यूजली यूज करता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर मैं फोन में भी यूज कर रहा हूँ तो बहुत हेल्पफुल मुझे लगता है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये जो वीडियो है आपको काम की लगी हो, क्योंकि आप लोग भी जो है गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन बहुत बड़ी तादाद में यूज करते हैं। तो इस वीडियो को आप अगर फॉलो करते हैं पूरी, तो आप आराम से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाए, बिल्कुल सिंपल वीडियो रखी जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, नीचे एक बटन होगा उसको प्रेस करके, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।